सुन्नी दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद COVID-19 के तनाजुर में एक नई हेल्पलाइन लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुई है, और वो है कि कोविड के पेशेंट्स के लिए रहनुमाई फराहम करना, उनके लिए गाइडलाइंस फराहम करना, उनको हेल्प फराहम करना डॉक्टर्स की टीम के जरिए से। ये आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कोविड की हेल्पलाइन को, हमने हेल्पलाइन का नाम दिया है। ये सुन्नी दावत इस्लामी की हेल्पलाइन है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं वो लोग जो कभी उनको यूं समझ लीजिए कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, या ऐसी कोई सिम्टम्स हैं, वीकनेस है, बॉडी एक है, ये जो इब्तदाई सिम्टम्स होते हैं। आम आदमी इसको सोचता है कि ये सर्दी के सिम्टम्स हैं, मामूली चीज है, इससे कुछ नहीं होगा, और अल्लाह करे कि कुछ ना हो, और आम हालात में ऐसा होता भी नहीं है, आदमी उसको सर्वाइव कर जाता है, उसमें से निकल जाता है। लेकिन चूंकि ये वायरस के हालात बने हुए हैं और जरा सी बे एहतियाती कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, और बाद में कॉम्प्लिकेशंस से निपटना सबके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए इससे पहले के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों आप डॉक्टर से रब्ता करें, खास तौर से उन इलाकों के हमारे साथी, और वो कोई भी हों जो गाँव गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, और उनको फॉरन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, दवाखाने नहीं हैं, डिस्पेंसरीज नहीं हैं, क्लिनिक्स नहीं हैं, फार्मेसीज नहीं हैं, तो अब वो क्या करें? तो वो फिर ये समझते हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कोविड के मामले में, कोरोना का जो ये जो मामला है वायरस का, उसके मामले में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन के अंदर आप इलाज शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी आप उसको इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपके ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अल्लाह करे कि सब अच्छे ही हो जाएं। तो जैसे ही अल्लाह ना करे अक्सर कोई ऐसी आपको सिम्टम है या किसी को है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9561-346-446, इसको याद रखिए, इस पर आपको कॉल करना है। आपसे मुराद जिनको जरूरत है वो हमारे डॉक्टर्स की एक टीम हम वक्त सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपकी खिदमत में मौजूद है, और डॉक्टर्स आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपके सिम्टम्स को मालूम करेंगे, आपका तजिया करेंगे, और उसके बाद जो शुरुआती आपको दवाइयां देनी होंगी वो आपको लिखवा देंगे, फिर आप उनको ले लीजिएगा और उनको लेना शुरू कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसी से आपको राहत मिल जाएगी। कभी ये भी हो सकता है कि दवाई कहाँ मिलेगी इसकी मालूमात आपको ना हो, तो अगर आप ये भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास एक बैकएंड टीम है जो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करेगी कि ये दवाइयाँ आपको कहाँ पर मिल सकती हैं, कैसे अवेलेबल हो सकती हैं। और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश है, लेकिन हम धीरे धीरे आपकी खिदमत में वो सर्विसेज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप हम सबके लिए दुआ करें। तो ये 9561-346-446 इसको खूब आम कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। अच्छा, ये जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स की टीम है उसके साथ पीछे एक एक्सपर्ट्स की टीम भी है जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह के केसेस बहुत अच्छी तरह से हैंडल किए हैं, जिसमें डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट भी हैं। फिजियोथेरेपी आप कहेंगे इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? तो फिजियोथेरेपी का रोल इसमें ये है कि जब अल्लाह ना करे किसी को कोविड हो गया हो, वो रिकवर हो गया है, रिकवर होने के बाद में फिर उनको लंग्स की, फेफड़ों की कुछ एक्सरसाइजेस देना जरूरी होता है ताकि उनका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कायम रहे उनके बदन में। तो वहाँ फिजियोथेरेपी की बहुत अहमियत होती है, और हमारे पास वैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपकी ऑनलाइन इसमें रहनुमाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास डाइटिशियन भी है। डाइटिशियन का मतलब होता है न्यूट्रिशनिस्ट जिसको कहते हैं, यानी आपको खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, यानी मुकम्मल आपकी देखभाल की जिम्मेदारी ऑनलाइन हमारे डॉक्टर्स निभाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आपकी सेहत के एतबार से, आपके डाइट प्लान के एतबार से, आपकी बीमारी के एतबार से कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें कि आपको किस तरीके से खुद अपनी सेल्फ मोटिवेट होकर के आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि जिसको कोविड हो गया, अल्लाह ना करे हुआ, लेकिन उसमें से रिकवर होने के बाद कुछ जहनी परेशानी उसको हो जाती है, आदमी डिप्रेस हो जाता है, तो काउंसलिंग करने के लिए भी हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपसे बात करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको समझाएंगे, आपको कुछ ऐसी बातें सुनाएंगे जिससे आप मुस्कुराएंगे। और ये सब इसलिए है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाकुम सलाम।
तो ये कोविड हेल्पलाइन आपकी खिदमत में है सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से, सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद पूरी उम्मीदों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इसको लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। हाँ, कभी ये हो सकता है डॉक्टर ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हों और आपका कॉल वेटिंग पर चला जाए या आपका कॉल मिस हो जाए तो आप नर्वस हो जाएं कि हमारा तो कॉल ही नहीं लिया गया, तो इतना सब्र आपको थोड़ा करना होगा और आप दोबारा कॉल करने की सहमत करें। या ये भी हो सकता है कि हमारी टीम जब आपका मिस कॉल रजिस्टर करेगी देखेगी तो पलट कर आपको दोबारा कॉल भी हम कर सकते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए और मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए।